हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं 5-year plans ऑफ इंडिया के पार्ट 3 को लेकर के। इससे पहले मैं पार्ट 1 और 2 अपलोड कर चुका हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप उनका लाभ ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो प्राप्त होते रहें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5-year plans के पार्ट 3 को। धन्यवाद। राजीव गांधी, जो कि सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, तो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे 7th 5-year plan के समय पर। देख लेते हैं इसमें, द फर्स्ट 3 years ऑफ द 7th plan सॉ सेवर ड्रॉट कंडीशंस, डेस्पाइट विच द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रोज बाई 3.2%। स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना वर इंट्रोड्यूस्ड, सेक्टर्स लाइक वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा गॉट अ लार्जर डिसबर्समेंट। यानी 7वीं जो योजना थी वो शुरुआत के जो 3 वर्ष थे, गंभीर सूखे की स्थिति देखी गई, मतलब सूखा पड़ गया था देश में, काफ़ी स्थिति कहते हैं गड़बड़ थी। उसके बावजूद क्या हुआ कि जो खाद्य अनाज था उसका उत्पादन हमने कितना बढ़ाया, 3.2% का हमने कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाया, उत्पादन हमने बढ़ाया, ठीक है, जबकि सूखा पड़ा हुआ था उसके बावजूद भी। और इसके बाद में क्या हुआ कि एक स्पेशल प्रोग्राम लाइक जवाहर रोजगार योजना जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी। 7वीं जो कहते हैं प्लानिंग कमीशन 5-year plan था उसके अंदर, और इसके अंदर एक और चीज़ करा गया कि आपका जो वेलफेयर सेक्टर थे, वेलफेयर का यानी कल्याण का जो क्षेत्र है, एजुकेशन एंड शिक्षा, हेल्थ एंड मतलब स्वास्थ्य, फैमिली प्लानिंग मतलब आपका परिवार नियोजन है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार आदि को, आदि जो क्षेत्र थे उनमें व्यापक कहते हैं डिस्प्रेसमेंट हुआ यानी प्रसार किया, यानी उनका विस्तार किया गया कि इन चीज़ों में भी काम काफ़ी किया गया। इसके बाद में हम बात कर लें, द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.0% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 6.01% एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 3.7%। यानी टारगेट हमने कितना बनाया था 5.0% का, 5% का हमने टारगेट बनाया था, लक्ष्य बनाया था वृद्धि का, और वास्तविक वृद्धि दर हमारा कितना हुआ 6.01% का कहते हैं वृद्धि दर हुआ, और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की अगर हम बात करें तो 3.7% की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ, यानी प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो 3.7% बढ़ गई 7th 5-year plan में। नेक्स्ट की हम बात कर लें, नेक्स्ट आपका एनुअल प्लान था 1992 यानी 1990 से 1992 के बीच में एनुअल प्रोग्राम चला था, वार्षिक प्रोग्राम चला था, प्लान हॉलीडे था, द पीरियड वाज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हेंस नो 5-year plan वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ओनली एनुअल प्लान्स वर मेड फॉर द पीरियड बिटवीन 1990 to 1992, द कंट्री फेस्ड सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी कि ये था कि ये जो अवधि थी वो राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, इस वजह से इस दौरान कोई भी 5-year plan को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, स्टार्ट नहीं किया गया, और केवल जो एनुअल प्रोग्राम थे यानी वार्षिक योजना थी उसको स्टार्ट किया गया, और देश का क्या था गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था देश को भुगतान के मामले में, पेमेंट क्राइसिस के मामले में।
तो इस वजह से कोई भी प्रोग्राम 1990 से 1992 के बीच में पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी और ये एनुअल प्लान था, प्लान हॉलिडे के रूप में इसको जाना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 8th फाइव ईयर प्लान की। अगर हम बात करें तो द 8th प्लान वाज इनिशिएटेड जस्ट आफ्टर ए सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच वाज इंटेंसिफाइड बाय द गल्फ वार इन 1919। यानी आठवीं योजना को भुगतान संकट के गंभीर संतुलन के ठीक बाद शुरू किया गया। मतलब जो संकट आया था, पेमेंट क्राइसिस का आया था, वो उसके जस्ट बाद ही उसको स्टार्ट किया गया। और 1990 में खाड़ी युद्ध था, इसकी वजह से ये संकट आया था। कौन सा? आपका पेमेंट क्राइसिस किस वजह से आई थी? जो गल्फ वार हुई थी 1990 में, उसकी वजह से। सेवरल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पॉलिसीज वर ब्रॉट इनटू पुट द कंट्री ऑन अ पाथ ऑफ हाई ग्रोथ रेट। यानी कि देश को उच्च विकास दर की राह पर लाने के लिए कई संरचनात्मक, जो कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन थे, यानी कि संरचनात्मक संशोधन नीतियाँ लाई गई। ठीक है, और संशोधन नीतियाँ लाने से क्या हुआ? दे वर डेवेल्युएशन ऑफ रुपीज, डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंस पर प्रीक्विजिट एंड डिक्रीज ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, मतलब अब मूल्यन और लाइसेंस की शर्त को समाप्त करने और व्यापार की बाधाओं को कम करने के लिए बनाई गई थी। जो संरचनात्मक संशोधन थे, यानी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस किए गए थे पॉलिसीज में, हमारी नीतियों में, वो किस लिए करे गए? ताकि अवमूल्यन करा जा सके, डिवेल्यूशन ऑफ रुपीज में जो रुपए का अवमूल्यन है वो करा जा सके, लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनको समाप्त किया जा सके, और व्यापार में जो बाधाएँ हैं, डिक्रीज द ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, ट्रेड यानी व्यापार करने में जो बाधाएँ आ रही थी उनको कम करने के लिए इसमें काम किया गया। द प्लान टारगेटेड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5.6% इन GDP एंड द सेम टाइम कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। यानी इस योजना ने सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक वृद्धि दर करी थी। GDP में सकल घरेलू जो उत्पाद होता है हमारा, उसमें 5.6% की वार्षिक वृद्धि दर पाई गई थी। काफ़ी अच्छी थी ये, और उस समय मुद्रा स्फीति को नियंत्रण रखने का लक्ष्य रखा गया था। यानी हमने मुद्रा स्फीति जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसको अंडर कंट्रोल में रखने का हमने कहते हैं लक्ष्य रखा था, टारगेट बनाया था। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.6% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 6.8%। हमने जो टारगेट बनाया था वो कितना था? 5.6% था, और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितनी मिली? 6.8% की एक्चुअल ग्रोथ रेट थी, यानी वास्तविक विकास दर 8th फाइव ईयर प्लान में हमने पाई। अब हम बात करते हैं 9th फाइव ईयर प्लान के। तो 9th फाइव ईयर प्लान 1997 टू 2002, यानी 2002 तक, 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके बारे में देख लेते हैं। इस समय अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब 50 साल बाद, जो इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद हमने ये 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 50 साल बाद आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब हम देख लेते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द 8th प्लान दैट इवन थो द इकोनॉमी परफॉर्म्ड वेल, द गेंस डिड नॉट परकोलेट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द 9th प्लान देयरफॉर लेड ग्रेटर इम्पेटस ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल इनकम्स एंड एलिवेट्स द कंडीशंस ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। यानी कि ये आठवीं योजना में जब देखा गया कि भले ही अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन करा हो, लेकिन लाभ समाज के कमजोर वर्गों को नहीं मिला। मतलब इकोनॉमिकली हमने जो परफॉर्म करा था 8th प्लान में, हमने 5.6% का कहते हैं टारगेट बनाया था, और हमने 6% से ऊपर की ग्रोथ रेट ली थी।
लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो लाभ था वो जो वीकर सेक्शन है यानी जो हमारे कहते हैं कमज़ोर वर्ग था उनको कहते हैं इसका लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या करा गया कि जो एग्रीकल्चर है और रूरल इनकम्स है यानी कि जो कृषि और ग्रामीण आय बढ़ाने पर अधिक प्रभाव डाला और सीमांत जो किसान थे हमारे मार्जिनल फार्मर्स थे और भूमि जो मजदूर थे लैंडलेस भूमिहीन जो मजदूर हैं लैंडलेस जो कहते हैं लेबर हैं उनकी स्थितियों को कम किया गया मतलब उनके लिए काफ़ी काम किया गया। ठीक है, टारगेट ग्रोथ रेट वाज 7.1% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 6.8%। हमने टारगेट बनाया था 9th फाइव ईयर प्लान में 7.1% का और अचीव कितना करा 6.8% का हमने ग्रोथ रेट अचीव किया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 10th फाइव ईयर प्लान की। तो 10th फाइव ईयर प्लान 2002 to 2007 यानी 2002 से 2007 के बीच में चलाया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। द एम ऑफ 10th प्लान वाज टू मेक द इंडियन इकोनॉमी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द ग्रोन टारगेट ऑफ 10%। इन दसवीं योजना जो थी 10% वृद्धि लक्ष्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में जो कहते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको क्या है दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना था। हमने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से जो वर्ल्ड की होनी चाहिए उसके हिसाब से हमने क्या करा अपने टारगेट को कहते हैं यहाँ पे बनाया। और टारगेट कितना था 10% का कि 10% हम 10th जो हमने कहते हैं फाइव ईयर प्लान बनाया था उसमें हमें 10% का कहते हैं वृद्धि चाहिए यानी ग्रोथ रेट चाहिए। और ये क्या होगा ये कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमने ये लक्ष्य तय किया था। और इट वांटेड टू ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स फ्रेंडली मार्केट रिफॉर्म्स एंड क्रिएट अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। इट सॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड इंक्रीज्ड FDIG इन द फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि यह निवेशक अनुकूल बाजार सुधारों में लाना चाहता था और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाह रहे थे। ठीक है, विकास के लिए क्या अनुकूल जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको बनाना हमने कहते हैं चाह रहे थे। और इसने क्या करा कि निजी क्षेत्र द्वारा सक्रिय भागीदारी की मांग की और वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष और विदेशी निवेश में वृद्धि करी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो कहते हैं आपका प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज किया और FDI जो कहते थे यानी जो विदेशी नीतियां थी विदेशी जो निवेश था उसको बढ़ाया गया इसके अंदर। अब अगर हम आगे बात कर लें देन एम्फेसिस वाज लेड ऑन कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कॉर्पोरेट जो पारदर्शिता थी और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया था। इसमें कॉर्पोरेट को ट्रांसपेरेंसी के लिए पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इसमें जोर दिया गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं इट सॉट टू रिड्यूस पावर्टी रेशियो बाय 5% points बाय 2007 एंड इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स ऑफ 75% बाय द एंड ऑफ द प्लान। यानी कि इसने क्या करा कि योजना के अंदर तक साक्षरता की जो दर थी उसमें 75% की वृद्धि के साथ साथ किसमें 75% की जो वृद्धि करनी है किसमें साक्षरता में लिटरेसी में के साथ साथ गरीबी के अनुपात में 5% अंकों की कमी लाने की भी मांग करी यानी कोशिश करी कि गरीबी जो है उसको 5% तक हम रिड्यूस कर सकें कम कर सकें और 75% तक लिटरेसी को हम बढ़ा सकें। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर ये स्टार्ट किया गया। आगे हम बात कर लेते हैं इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25% बाई 2007 एंड ऑल विलेज टू हैव सस्टेंड एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। यानी 2007 तक सभी वन और वृक्षों के कवर में 75% की वृद्धि की गई और सभी गांवों में पीने के पानी के निरंतर पहुंच को भी हमने शुरू किया स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब क्या था कि 2007 तक का हमने क्या लक्ष्य बनाया था कि 25% जो है वो हम वन और वृक्षों के द्वारा कवर कर देंगे देश को और सभी गांवों में
क्या करेंगे, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, यानी पीने लायक पानी को हम पहुंचा सकें सभी गांव तक। टारगेट ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 8.1% और ग्रोथ अचीव्ड 7.7%, 10% का हमने बनाया था और ग्रोथ रेट हमने अचीव कितना करा, 7.7% का हमने ग्रोथ अचीव किया। अब हम बात करते हैं 11th फाइव ईयर प्लान की, दैट इज स्टार्टेड इन 2007 एंड अप टू 2012, यानी 2007 से स्टार्ट की गई और 2012 तक चली ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जी जो थे वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इस समय ये 11th हमारा जो प्रोग्राम था फाइव ईयर प्लान वो स्टार्ट हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। द 11th प्लान हैज ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ 10%, यानी कि जो जीडीपी के विकास में 10% तक बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है 11th फाइव ईयर प्लान में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देख लेते हैं, इंक्रीज एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ टू 4% पर ईयर टू इंश्योर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ बेनिफिट्स, क्रिएट 70 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, ऑगमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, यानी लाभ के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रतिवर्ष कितना करा गया, 4% तक बढ़ाया गया और 70 मिलियन, ठीक है, 70 मिलियन नए काम के अवसर बनाए गए, यानी नए काम की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कहते हैं बढ़ाई गई और 4% तक का हमने क्या करा, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का हमने इसमें लक्ष्य रखा। आगे क्या है कि आपका जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षा का न्यूनतम मानक भी तय करा गया, ऑगमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में क्या करा हमने कि न्यूनतम मानक कहते हैं हमने बनाए प्राथमिक विद्यालय के लिए। आगे बात कर लेते हैं, रिड्यूस इन्फेंट मोरलिटी रेट टू 28 एंड मल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0-3 टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट लेवल, यानी अगर हम वर्तमान स्तर की बात करें, 11वीं योजना जब चल रही थी उस समय क्या था कि जो शिशु मृत्यु दर थी वो 28% तक हमको क्या करना था कि शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी उसको हमें रिड्यूस करना था 28% तक। और अगर हम जो 0-3 आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं 0-3 एज वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं वो क्या था, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित थे, तो हमें क्या करना है कि कुपोषण को और जो डेथ है, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको हमको रिड्यूस करना था। इसके बाद में देख लेते हैं, इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल विलेजेज, मतलब सभी गांव में बिजली के कनेक्शन हो इसको हमें सुनिश्चित करना है, एंड इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 5% और हमें क्या करना है, लगभग 5% तक हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को इंक्रीज करना है, यानी कि ट्री कवर हमारा कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के द्वारा जो कवरिंग है उसको हमें 5% तक इंक्रीज कर लेना है। तो ये हमारे 11th प्लान का क्या है कि आप 28% तक हमको जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है और 0-3 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को भी हमको कम करना है 28% तक, और जो बिजली के कनेक्शन हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो लगभग सभी गांवों में हो जाए इसका भी हमें ध्यान रखना है, और फॉरेस्ट और ट्री कवर को भी हमें 5% तक इंक्रीज कर लेना है। आगे बात कर लेते हैं, 12th फाइव ईयर प्लान की अगर हम बात करें, देन दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2012 अप टू 2017, मतलब 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2012-17 तक 12th फाइव ईयर प्लान चला था, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो चलाई गई थी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो द 12th फाइव ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%,
मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारतीय सरकार थी उसने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए टारगेट रेट फिक्स किया था, ग्रोथ रेट वो था 8.2%। बट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC ऑन 27 दिसंबर 2012 अप्रूव्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ 8% फॉर द 12th प्लान। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने तो 8.2% की ग्रोथ रेट को तय किया कि हमको ये टारगेट बनाना है 12th फाइव ईयर प्लान में, लेकिन NDC ने एक बैठक करी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने यानी कि जो भारत राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने 27 दिसंबर 2012 को, और उसने अप्रूवल किस चीज़ को दिया कि 8% की हम ग्रोथ रेट ले सकते हैं 12th फाइव ईयर प्लान में, तो 8% का टारगेट उन्होंने बताया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विद द डेटरोरेटिंग ग्लोबल सिचुएशन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैज सेड दैट अचीविंग एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 9% इन द नेक्स्ट फाइव ईयर इज नॉट पॉसिबल। अब क्या हुआ कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, कौन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी जो वैश्विक स्थिति है वो क्या है, बिगड़ रही है, डेटोरेटिंग हो रही है, ग्लोबल जो सिचुएशन है वो, तो हमने क्या करना है कि हम 9% का जो ग्रोथ रेट है वो नहीं पा सकते हैं एवरेज रेट अगले 5 साल तक, ठीक है। तो द फाइनल ग्रोथ रेट हैज़ बीन सेट 8% बाई द एंडोर्समेंट ऑफ द प्लान एट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली में ये जो मीटिंग हुई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, उन्होंने उस परिषद में ये कहते समर्थन किया कि 8% का ही हम ग्रोथ रेट टारगेट के रूप में रख सकते हैं, निर्धारित करेंगे कि हमें 8% की वृद्धि दर को हमें पाना है, यानी ग्रोथ रेट हमें कितना पाना है 8% का, तो 8% का ही लास्ट में इसमें कर दिया गया कि मंजूरी दे दी गई, अप्रूवल दे दिया गया कि 8% जो 12th फाइव ईयर प्लान है उसमें हम 8% का ही ग्रोथ रेट को टारगेट बनाएंगे और इसी को अचीव करने के लिए हम काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th फाइव ईयर प्लान, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्ट क्या थे तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th फाइव ईयर प्लान वर टू क्रिएट 50 मिलियन न्यूयॉर्क अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नॉन फार्म सेक्टर, यानी जो गैर कृषि क्षेत्र हैं, जो नॉन फार्म सेक्टर्स हैं, जो जिनमें खेती नहीं की जाती है, उसमें 50 मिलियन हमको क्या करना है, 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज हमको पैदा करनी है, क्रिएट करनी है, ठीक है। तो 12th में क्या था सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, जो नई कहते हैं काम हैं, उसके अवसर हमको पैदा करने हैं, किसमें, जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनमें। नेक्स्ट की हम बात कर लें तो टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल इनरोलमेंट। अब क्या करना है कि जो स्कूल में इनरोलमेंट होते हैं, स्कूल में जो नामांकन होते हैं, उसमें हमें जो जेंडर और सोशल गैप है, यानी लिंग का जो अंतर होता है और जो सामाजिक अंतर होता है, उसको दूर करना है। लिंग का मतलब आपका बॉयज और गर्ल्स जो है उसका जो अनुपात है, उसमें जो डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। इसके बाद में क्या है कि सोशल गैप है, सोशल गैप में आपकी जो कहते हैं जैसे कि रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें हैं, तो ये जो सोशल गैप होता है वो ना पाया जाए स्कूल के अंदर, जो कहते हैं स्कूल में नामांकन किया गया है तो उसके आधार पर ना हो, तो इन चीज़ों को हमें इसमें रिमूव करना है। नेक्स्ट की हम बात करें टू इनहेंस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा तक हमें क्या है पहुंच को बढ़ाना है। नेक्स्ट की हम बात कर लें टू रिड्यूस मल न्यूट्रिशन अमोंग चिल्ड्रन एज्ड 0 to 3 years, ठीक है। तो इसमें भी हम किसकी बात करेंगे कि जो कुपोषण है, मल न्यूट्रिशन है, कुपोषित जो 0 to 3 एज के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण को हमें क्या करना है, कम करना है,
तो 12th 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, उद्देश्य बनाया। नेक्स्ट की बात कर लें टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेज, मतलब जो सारे गांव हैं वहां तक बिजली की पहुंच बढ़ाई जाए, लोगों को मतलब गांव में बिजली पहुंचाई जाए, ये भी हमारा एक उद्देश्य था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टू इंश्योर दैट 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यह सुनिश्चित करा जाए कि आबादी में क्या करें कि लगभग जो 50% जो रूरल पॉपुलेशन है हमारी, लगभग 50% जो ग्रामीण आबादी है उस तक हम प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचा सकें, यानी कि जो उचित पीने का पानी होना चाहिए वो उनकी पहुंच में हो सके, वो लोग प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ कर सकें। 50% रूरल पॉपुलेशन का ये टारगेट बनाया गया था, ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टू इंक्रीज ग्रीन कवर बाई 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर, मतलब हर साल 1 मिलियन तक हमें क्या करना है कि ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है। ग्रीन कवर मतलब जो हरित आवरण है उसको बढ़ाना है, मतलब आपको फॉरेस्ट को कहते हैं इंक्रीज करना है, आपको जो ट्री कवर है उसको कहते हैं इंक्रीज करना है। तो लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर का इसमें हमने टारगेट फिक्स करा था, हर साल हमको लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर में हरित आवरण में बढ़ा देना है। नेक्स्ट की हम बात कर लें तो टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस टू 90% ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब जो 90% घर हैं उन तक हम क्या करें बैंकिंग जो सर्विस हैं, जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनको हम पहुंचा सकें 90% जो हाउस होल्ड हैं घर हैं वहां तक। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे आपके 12th 5 ईयर प्लान के जो कि सेट किए गए थे 12th 5 ईयर प्लान में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये, और कंपटीशन के मामले में ये बहुत ही मोस्टली कहते हैं ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से, 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से इस टॉपिक से आ सकते हैं, कौन सा 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, उसमें कहते हैं टारगेट रेट क्या थी, ऑब्जेक्ट क्या थे उसके, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से ले लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें और आप उनका लाभ ले सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो और भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।